Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है अपना नया फोन Redmi Note 5. जी हाँ, और ये Redmi सीरीज का पहला फोन है जो कि बेजलेस बनाया गया है, और इसकी यूएसपी भी है इस फोन का डिस्प्ले. जानेंगे इसका पूरा रिव्यू इस वीडियो में. आप देख रहे हैं टेक तक, मैं हूँ श्रुति शर्मा. तो जैसा कि आपको बताया, इस फोन की यूएसपी है इसका डिस्प्ले. 18:9 इसकी एस्पेक्ट रेशो है, और पहली चीज जो आपको इस फोन को देखते ही अट्रैक्ट करेगी और इम्प्रेस करेगी वो है इसका स्क्रीन साइज और इसका डिस्प्ले. जी हाँ, इसमें 2.5D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 भी दिया गया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्क्रीन, बिकॉज स्क्रीन काफी बड़ी है. स्मार्टफोन की बॉडी मेटालिक है, इसकी लुक अच्छी है और देखने में ये काफी बढ़िया. Redmi Note 5 में 5.99 इंचेस की डिस्प्ले दी गई है. राउंड एजेस हैं, मैट फिनिश मेटल यूनिबॉडी के साथ. फोन के बैक साइड में 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है विद डुअल LED फ्लैश, और साथ में है सर्कुलर फिंगरप्रिंट सेंसर. डिस्प्ले Xiaomi Redmi 5 का मेजर हाईलाइट पॉइंट है. जी हाँ, Redmi की नोट सीरीज का ये पहला फोन है जो इतना बड़ा डिस्प्ले के साथ दिया गया है विद बेजललेस लुक. साथ ही आपको बता दें कि इसका रेजोल्यूशन 1080x2160p का है. इसका डिस्प्ले काफी शार्प और कलर्स विविड हैं, साथ ही कॉन्ट्रास्ट भी काफी डीप है. इमेजेस और वीडियो में भी एक्यूरेट कलर दिखाई दिए. सो 10,000 से कम प्राइस में स्मार्टफोन का जिस तरह का डिस्प्ले है वो काफी उम्दा है. वहीं इसमें रीडिंग मोड भी है जिसमें ब्लू लाइट इमिशन है फॉर गुड रीडिंग. और आपको बता दें कुछ डिफरेंसेस जो कि Redmi Note 4 और Note 5 को अलग करते हैं. पहला यही कि इसमें ज्यादा पावरफुल Qualcomm Snapdragon दिया गया है. वहीं आपको बता दें कि Redmi Note 4 2GB और 16GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है. वहीं इसमें दो वेरियंट है जिसमें 3GB की रैम है और 32GB की इंटरनल स्टोरेज, और वहीं दूसरा वेरियंट है वो 4GB की रैम रखता है और 64GB की इंटरनल स्टोरेज. तो स्टोरेज के मामले में भी ये Redmi Note 4 से बेहतर है. बहरहाल अब जानते हैं इसके बारे में. Redmi Note 5 दो वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है, 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, और वहीं 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ. ये माइक्रो SD कार्ड से एक्सपेंडेबल भी है. इसमें 4000 mAh की बैटरी दी गई है जो सिंगल चार्ज में पूरा एक दिन आपका साथ निभाएगा. सरप्राइजिंगली इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं है, मगर ये काफी फास्ट चार्ज होता है. इसका ऑडियो एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहा. हमने कुछ म्यूजिक भी लाउड स्पीकर पर सुना जो कि काफी अच्छी क्वालिटी रही. इसमें MIUI 9 तो है, बट ये Android 7 पर चलता है. हालांकि जल्द ही इसमें ओरियो वर्जन का रोल आउट होने वाला है. आपको बता दें कि इसमें Qualcomm का Snapdragon 625 दिया गया है जो कि काफी पावरफुल रहा. हमने इसको पूरा दिन इस्तेमाल किया, मल्टीटास्किंग करी, गेम्स खेली, वीडियोस देखे, इसमें म्यूजिक भी सुना. इसकी परफॉर्मेंस में कोई भी लैग नहीं आया, बहुत ही स्मूथली ये पूरा दिन चला. और कैमरा की बात करें तो इसमें 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, उसके साथ दी गई है डुअल टोन LED फ्लैश. वहीं फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल का, और इसमें सेल्फी लाइट भी दी गई है. हालांकि रियर कैमरा में लार्जर पिक्सल साइज है ऑफ 1.2 UM pixel और फोकल लेंथ ऑफ 2.2 aperture, और डेलाइट में कैमरा से खींची हुई शॉट्स काफी अच्छे आए. अच्छी डिटेलिंग रही पिक्चर्स में और कलर्स भी काफी खूबसूरत. हालांकि लो लाइट में थोड़ी पिक में ग्रीननेस जरूर आई, एंड वी ऑल्सो मिस्ड OIS हियर. सेल्फी कैमरा की पिक्स भी अच्छी आई, और लो लाइट में भी सेल्फी फ्लैश के साथ पिक्स परफेक्ट रही. हाय, आप देख रहे हैं मुझे Redmi Note 5 के वीडियो रिकॉर्डिंग. वीडियो भी HD क्वालिटी में रिकॉर्ड हुए. तो आपको बता दें कि इसमें सेल्फी भी काफी बेहतर आई है, तो सेल्फी सेंट्रिक भी बोल सकते हैं इस फोन को. हालांकि इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, लेकिन जो फ्लैश लाइट दी गई है इसमें वो काफी बेहतर है, ताकि लो लाइट्स में भी आपकी सेल्फी काफी अच्छी आए. हमने भी कुछ सेल्फी खींची है लो लाइट में जो कि काफी बेहतरीन आई. अब बात आ गई है फाइनल वर्डिक्ट की. वेल, Redmi Note 5 हमें खरीदना चाहिए या नहीं? अगर आपके पास Redmi Note 4 है तो आप इस पे अपग्रेड ना करें. करें तो भी चलेगा, ना करें तो भी चलेगा. वेल, दूसरी बात यह कि इसका कॉम्पिटिटर इसका ही भाई है, यानी कि Redmi Note 5 Pro इसको अच्छी तरह से कॉम्पिटिशन देता है. हालांकि वो इससे महंगा है, लेकिन हाँ, इससे बेहतर भी जरूर है. साथ में आपको बता दें जो इसकी कीमत है जो कि 9,999 रुपए है, उसके हिसाब से जो स्पेक्स इसमें दिए गए हैं बहुत ही उम्दा है. तो अगर आप 10,000 से कम कीमत का स्मार्टफोन खोज रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन सकता है.